नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में मैं आज आपकी एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप पारद भस्म से कौन कौन सी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, पारद भस्म के बारे में कौन कौन से लाभ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखकर वीडियो को शेयर करें। प्रोग्राम से संबंधित कोई भी सुझाव आपको देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं, कुछ जानना चाहते हैं उस बारे में भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं और आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, इसी तरह से आप मेरा चैनल देखते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। आज हम बात करेंगे पारद भस्म। जी हाँ दोस्तों, पारद भस्म, अच्छी तरह बनाई हुई पारद की भस्म संग्रहणी अतिसार क्षय और शोष रोग को नष्ट करती है और पाचकांगी को दुर्बलता को दूर करती है। इस भस्म के सेवन से शरीर में बल वीर्य तथा मैथुन शक्ति की वृद्धि होती है। दोस्तों, शक्ति को क्षीण करने वाले भस्म रोग को नष्ट कर शांति उत्पन्न करती है, स्मरण शक्ति को बढ़ाती है और शरीर को मजबूत करती है। लगातार एक वर्ष तक इसका सेवन किया जाए तो बुढ़ापा नष्ट हो जाता है। पारद भस्म के सेवन करने पर मैथुन शक्ति की अपूर्व वृद्धि होती है। अधिक विषय भोग करने वालों को पारद भस्म के सेवन से वीर वृद्धि होकर अच्छी शक्ति प्राप्त होती है, अतः निर्बलता नहीं आ पाती। मलाई या मक्खन के साथ सेवन करना चाहिए। उपदंश रोग में पारद भस्म दो रत्ती को प्रातः काल 3 या 4 दिन तक सेवन करने से उपदंश का विष नष्ट होकर उत्तम लाभ मिलता है। कुष्ठ रोग में एक रत्ती की मात्रा में इसे सुबह शाम 2 से 3 सप्ताह तक सेवन करने से रोग निर्मूल हो जाते हैं। रोग की स्थिति के अनुसार सेवन काल की अवधि चिकित्सक को स्वयं निर्णय कर लेना चाहिए। दुर्बलता तथा नाजुक प्रकृति के रोगी एवं कम उम्र वाले को उनकी स्थिति के अनुसार मात्रा निर्णय करके देना चाहिए। दोस्तों, एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, कोई भी दवा का सेवन अपने मर्जी से ना करें, डॉक्टरी सलाह से करें। डॉक्टर आपकी उम्र देखेगा और आपके साथ कौन और कोई बीमारी तो नहीं है वो देखेगा, उसके आधार पर वो आपको खुराक बताएगा और अगर उसके साथ कोई बीमारी है तो वो और ऐड करेगा, लेकिन अपने मर्जी से मत ले। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि डॉक्टर की सलाह पर ही ले। अगर डॉक्टर आपके पास अवेलेबल ना हो या आप बहुत ही इंटीरियर क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में हो जहां डॉक्टर की व्यवस्था ना हो तो वहां वो आप ले सकते हैं इस दवा को, लेकिन वो भी तब तक के लिए जब तक कि आप डॉक्टर के संपर्क ना आ जाए। जैसे आप डॉक्टर के संपर्क में आ जाए तो उन्हें बताएं कि मैं ये दवा ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि क्या है दोस्तों, डॉक्टर जो है उसी में जो महारत होता है तो उसे मालूम होता है कि ये उम्र है तो उसे कितना जो है दवाई की खुराक देनी है और क्या नुकसान हो रहा है, तो इसको नुकसान को दूर करने के लिए कौन सी और दवा दें। दोस्तों, दवा सेवन करते समय तथा बाद में कुछ समय तक नमक, मिर्च, गुड़, तेल का परहेज करना चाहिए। जौ या गेहूं के दलिया, रोटी, दूध, घी, चीनी, हलवा आदि खाना चाहिए। ये खाने में कुछ सावधानी आपको रखनी है दोस्तों, जब भी आप इस दवा का जो है सेवन करें। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ किन किन चीज़ों को आपको नहीं खाना है। नमक नहीं खाना है आपको, मिर्च नहीं खाना है, गुड़ तेल का परहेज करें,
क्या खाना है, जौ या गेहूं की दलिया, रोटी, दूध, घी, चीनी, हलवा आदि खाया जा सकता है। दवाई की मात्रा, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक रत्ती से दो रत्ती इस भस्म को कैप्सूल या मुनक्के के बीच में रखकर निगलना चाहिए। जहाँ दोस्तों इसको डायरेक्ट दांतों से नहीं खाया जाता, इसको आपको या तो खाली कैप्सूल आपको बाजार में मिल जाएगी, एक या दो रत्ती आप इसको उसमें डाल लीजिए और निगल लीजिए, या फिर मुनक्का होता है मुनक्के के बीच में आप इसको एक रत्ती या दो रत्ती रख के निगल लीजिए। अब कौन कौन सी बीमारी का इलाज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, पारद भस्म ज्वर यानी कि बुखार, अगर आपको बुखार हो तो पारद भस्म को पित्त, पापड़ा तथा मोथा क्वाथ या तुलसी क्वाथ अथवा पिपली क्वाथ के साथ सेवन करने से बुखार नष्ट होता है, बुखार के लिए बहुत फायदेमंद है दोस्तों। रक्तपित्त, लाक्षाचूर्ण, हरित की चूर्ण या वासाचूर्ण के साथ मिलाकर मधु के साथ सेवन करने से पित्त रोग नष्ट होता है। यहाँ दोस्तों अगर पित्त रोग है तो शहद के साथ आपको इसको लेना है। कास, कास को नष्ट करने के लिए इसको छोटी कटेली के क्वाथ में पिपली चूर्ण मिलाकर सेवन करना चाहिए। पांडु रोग, यहाँ दोस्तों अगर पांडु रोग हो तो इसमें जो है त्रिफला और हल्दी कषाय के साथ प्रयोग करना चाहिए, इससे पांडु रोग समाप्त हो जाएगा। अतिसार, जहाँ दोस्तों अतिसार जिसे हम पेचिश या फिर अतिसार कहते हैं, अतिसार में पंचशारी वृक्ष के साथ जो है पारद भस्म का प्रयोग करना चाहिए। पेचिश में आम तथा जामुन के पत्तों का रस, बेल का चूर्ण, सोट, गुड़ इन सब को मिलाकर एकत्र कर मंदित कर पका अवलेहन सा बनाने, इस अवलेहन के साथ पारद भस्म का सेवन करें। जी हाँ दोस्तों, पारद भस्म के साथ सेवन करने से पेचिश से आपको जो है राहत मिलेगी। दोस्तों मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा कि आप जो है कोई भी दवा अपने मर्जी से ना लें, डॉक्टरी परामर्श के बाद ही दवाएं लें, क्योंकि आपकी उम्र क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। जब डॉक्टर होगा तो वो आपकी उम्र देखेगा, उम्र के हिसाब से आपकी खुराक बनाएगा, और कोई बीमारी तो नहीं है उसके आधार पर वो आपका इलाज करेगा। तो मैं आपसे हमेशा यही कहता हूँ दोस्तों कि जब भी आप दवाई का सेवन करें तो डॉक्टर के निर्देशानुसार करें, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या कोई भी आपको डॉक्टर मिल जाए उसके आधार पर ही करें। यह दवाई केवल वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों जो बहुत ही ऐसे क्षेत्र में रहते हो जहाँ पे मोबाइल की सुविधा ना हो, आने जाने का कोई जो है विकल्प ना हो, कोई दूसरा और विकल्प ही ना हो, इन स्थिति में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हैजा, जी हाँ दोस्तों, हैजा पारद भस्म को हींग और पिपली चूर्ण के साथ सेवन करने से हैजा रोग नष्ट हो जाता है। हिक्का रोग, बिजोरा, नींबू और काला नमक के साथ इसका प्रयोग करने से हिक्का रोग नष्ट होता है। वमन, वमन और अंतर्दाह के लिए धान की खिली के चूर्ण को जल में घोलकर उसमें मधु तथा मिश्री मिलाकर सेवन करना चाहिए। टीबी, टीबी में बकरी का दूध तथा पीपल कल्स सिद्ध घृत में गंध मिलाकर उसके साथ सेवन करने से लाभ मिलता है। मूत्र क्षय रोग, गोशुरादि कषाय अथवा मसूर क्वाथ में मधु मिलाकर सेवन करने से मूत्र रोग से राहत मिलती है। शील, शूल, जी हाँ दोस्तों, अगर शूल हो जाए तो तिलों के क्वाथ में त्रुकटा चूर्ण मिलाकर इसके साथ पारद भस्म का सेवन करने से शूल नष्ट होता है। परिणाम शूल, शुंबक भस्म और यवशार के साथ पारद भस्म देने से परिणाम शूल नष्ट होता है।
श्रोत रोग में कुटकी तथा सोटक के कषाय में गौमूत्र मिलाकर पारद भस्म सेवन करना चाहिए। कामला रोग, दारू, हल्दी तथा त्रिफला पात के साथ पारद भस्म सेवन करने से कामला रोग नष्ट होता है। मोटापा दूर करने के लिए शुद्ध गूगल में त्रिफला और त्रिकुट तथा मिर्च, चून और अरंडी तेल मिलाकर खूब कूट ले। इसके साथ अवलेह सा बना लें, इसमें पारद भस्म मिलाकर सेवन करें। वात रोग, लहसुन के कल्ले तथा स्वरस से काए हुए तिल तेल के साथ पारद भस्म सेवन करने से पुराने तथा नवीन सभी प्रकार के वात रोग नष्ट हो जाते हैं। वात रक्त में पारद भस्म को हरड और गिलोय के क्वाथ में गुड़ मिलाकर सेवन करना चाहिए। दिन में दो बार पारद भस्म का सेवन करने से जो है ग्रीधसी रोग नष्ट होता है। सफ़ेद कोड, जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद दाग हो जाए तो क्या करें? बाकुचू, त्रिफला और सिंगराज चूर्ण के साथ पारद भस्म का सेवन करने से सफ़ेद कोड नष्ट हो जाता है। कृमि, हाँ जी, कृमि कीड़ा हो जाए तो क्या करें? उदर के कृमि के लिए इसको वाय वीडिंग, नीम, दाड़ीम की छाल प्लास बीज के चूर्ण के साथ मधु मिलाकर सेवन करना चाहिए। पेट के कीड़े समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मधुमेह में बहुत फायदेमंद है। त्रिफला, शिलाजुत और त्रिकुट के चूर्ण को भांगरे के रस के साथ भावना देकर सुखा ले। इस चूर्ण के साथ पारद भस्म का सेवन करने से प्रमेह रोग नष्ट होगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।